वेलकम बैक टू आर चैनल एंड योर आयुषी इज बैक एक और वीडियो के साथ। आज हमें 30,000 मेट्रो स्टेशन, बिकॉज यहाँ से हम जाने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ दिल्ली एनसीआर, विच इज सदर बाजार। तो मेट्रो से बाहर निकलते ही आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगा या ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि जस्ट 10 रुपीज़ लेता है और आपको सदर बाजार की मेन मार्केट के सामने छोड़ देगा। उसके बाद आपको वहाँ से राइट टर्न लेना है। अभी हम जा रहे हैं सदर बाजार की बहुत ही एक आप कह सकते हो छुपी हुई मार्केट, विच इज अ ग्रीन मार्केट। इसमें आपको इतने अच्छे कलेक्शन मिलेंगे ना ड्रेसेस, अगर आप अपने किसी भी ओकेजन के लिए कोई भी इंडियन वेयर या इंडो वेस्टर्न लेना चाहते हो, वो भी सुंदर प्लस सस्ता, तो ये मार्केट ग्रीन मार्केट स्पेशली आप लोगों के लिए है। इसमें आपको इंडो वेस्टर्न का तो एक से एक ड्रेस मटेरियल और प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप कलेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्रॉप टॉप और स्कर्ट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे आपको शरारा वगैरह भी मिल जाएंगे और यहाँ पे ड्रेसेस स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम ₹500 एंड गोज अप टू 3,000, जैसे भी आपका पॉकेट आपको अलाउ करता हो। आपको हर तरीके की ड्रेसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्लू कलर की ड्रेस दिखी थी, ये इतना प्रिटी फ्रॉक या आप इसको गाउन बोल सकते हो, इतना प्रिटी लग रहा था ना। बट आई डोंट लाइक वन थिंग कि जब मैंने उनको एज अ कस्टमर इस गाउन के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला 4,000 रुपीज़, और जब वी स्टार्ट मेकिंग वीडियो तो वो आ गए थे इसको लेके 2,500 पे। तो ये चीज़ मुझे उनकी बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे ये लगा कि हो सकता है कि अभी मैं उनकी चीज़ें वीडियो में शो कर रही हूँ तो वो उसे उस प्राइस में बोल रहे हैं और कस्टमर के लिए वो कुछ और बोलते हों, तो ये एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वहाँ पे इस चीज़ को लेके। उसके बाद यहाँ वहाँ पे ये इस तरीके की थी जस्ट फॉर ₹2,500 विद दिस ब्यूटिफुल क्रॉप टॉप। कलर बहुत सारे थे इन अ क्लोथ ऑफ नायलॉन, तो आप देख सकते हो कैन केन वगैरह हर चीज़ से बिल्कुल फिट होता है यार। बहुत प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस थी। मैं वहाँ पे ग्रीन मार्केट में फर्स्ट टाइम गई थी और मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया, इतनी अच्छी ड्रेसेस। टोटली स्टिच आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको नीड है तो फिटिंग करवाओ एंड यू आर गुड टू गो। आप ये पर्पल वाली ड्रेस देख सकते हो, दिस इज़ फॉर 2,500 और इसमें अलग अलग प्रिंट्स और हर तरीके की ड्रेस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद मुझे वहाँ पे ये दिखाई दी पिंक कलर की, बहुत ही प्यारा, आप इसको बोल सकते हो इट्स अ प्रिंसेस काइंड ड्रेस, जिसका फ्लेयर बहुत अच्छा था, अंदर कैन केन वगैरह हर एक चीज़ लगी हुई थी और इसके लिए उन्होंने प्राइस कोट किया था ₹2,200। इसके बाद हम वहीं पे पहुंच गए थे एक पैंट वाली शॉप पे, ये भैया पैंट सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे यहाँ से मैंने दो पैंटें परचेज की है फॉर माय मदर इन अ कलर ऑफ ब्लैक एंड वाइट। कलर इनके पास बहुत सारे थे, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे भैया हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुद इन पैंटों को। एंड गाइज, अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो सदर बाजार में ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप संडे को जा रहे हो। तो अगर आप संडे को जा रहे हो ना, तो मेरा कहने का है कि आप मैक्स 9 o'clock पहुँच जाओ, 9 से ऊपर बिल्कुल मत जाओ ना, स्पेशली ग्रीन मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी लिमिटेड होती हैं, आपकी चीज़ें बिक चुकी होंगी, आपको जो वैरायटी ऑफ चॉइस मिल सकता है सुबह के टाइम पे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आप स्पेशली सदर बाजार की संडे मार्केट में जा रहे हो, पटरी मार्केट में जा रहे हो, तो आप जल्दी पहुंच जाओ और सुबह के टाइम भीड़ भी नहीं होती है, तो आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद वहीं पे मेरे को ये दुपट्टे की शॉप मिली, ये भैया के पास बनारसी दुपट्टे होते हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, उस तरीके के दुपट्टे थे, बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे थे, लेंथ वाइज बहुत अच्छे थे, जस्ट फॉर ₹150। जैसे कि आप ये दुपट्टा देख सकते हो, ये हमने ऐसे खोल के देखा था, इसकी लेंथ इतनी अच्छी थी। नॉर्मली कोई भी सूट लो, प्लेन सूट, और उसके ऊपर इस तरीके के दुपट्टे ना बहुत अच्छे लगते हैं, और इन जस्ट ₹150। ये येलो वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी ब्राइट और अच्छा कलर है। तो यहाँ से मैंने दो दुपट्टे परचेज़ किए थे, ऐसी रेंडमली कर लिए, नीड भी नहीं थी, बट अच्छे लगे तो ले लिए।
उसके बाद आपको ऐसी छोटी छोटी तो बहुत सारी शॉप्स देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लेस देख रही थी, जो कि आप अपने लहंगे पे, दुपट्टों पे यूज़ कर सकते हो। फिर ये प्रिंटेड ड्रेस आप देख सकते हो, इट्स अ डिजिटल प्रिंट और इसके लिए भैया ने कोट किया था जस्ट फॉर ₹1500। तो आप देख रहे हो कि आपको तब कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद ये पिंक कलर की, इट्स लाइक अ मतलब फ्लर फ्लर काइंड की ड्रेस थी, इसके लिए उन्होंने मेरे को कोट किया था जस्ट फॉर ₹2000। और ये उनके प्राइजेज हैं, इसके ऊपर आप बार्गेन ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपकी बार्गेन स्किल अच्छी होनी चाहिए अगर आप डेली की इस तरीके की मार्केट में जा रहे हो। और अगर नहीं है तो यार अपने साथ किसी को लेकर जाओ, लाइक योर मदर, क्योंकि मम्मियाँ तो परफेक्ट होती है बार्गेन करने में। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना, तो स्टिल आपको इस मार्केट में ड्रेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ₹500। और यहाँ पे इंडो वेस्टर्न का तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, बट ध्यान रखना टाइम पे जाना ज़रूरी है। उसके बाद हम पहुंच गए हैं सदर बाज़ार की मेन पॉटरी मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे आपको लहंगे बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपको शॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। बट जब मैं इन लहंगों को देख रही थी तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को देख रहा है और वो देखने के बाद उसे पसंद नहीं आता, या कोई भी चीज़ होती है वो नहीं उस चीज़ को परचेज़ कर रहा है, तो शॉपकीपर्स बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते, वो कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करते। आज के टाइम पे यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के लोगों ने इस मार्केट को, सदर बाज़ार की पॉटरी मार्केट को इतना फेमस कर दिया है ना, कि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो शॉपकीपर्स को बहुत बार कस्टमर्स की कदर नहीं है, दे डू नॉट नो कि आपको आपके कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है। उसके बाद मुझे वहाँ पे इस तरीके के नेक पीसेस, चोकर्स देखने के लिए मिले जस्ट फॉर ₹60 to ₹80। उसके बाद वहाँ पे आपको ऐसे फुल टाइप ऑफ नेकलेस मिल जाएंगे फ्रॉम ₹150 to ₹350। अब हम पहुँच गए हैं वापस से लहंगे की शॉप पे। इन भाई के जो लहंगे की कलेक्शन थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लाइक दिस पिंक लहंगा इज़ जस्ट फॉर ₹3000, आगे ग्रीन वाला जस्ट फॉर ₹2800 था, ये वाला लहंगा था जस्ट फॉर ₹2800। और थोड़ी बहुत बार्गेन आप कर सकते हो, लाइक ब्राइडल यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट फॉर ₹2500। अगर हम मेकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको मेकअप भी बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा, बट आई डोंट नॉट सजेस्ट यू कि अब यहाँ से मेकअप लो, बिकॉज सदर बाज़ार इज़ समथिंग विच इज़ टोटली मेकअप के मामले में टोटली ड्यूब्स रखता है। हाँ, बट आप इस तरीके की ग्लिटर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। यहाँ पे ये भैया पैकेट दे रहे थे जस्ट फॉर ₹100, तो इस तरीके के ग्लिटर्स वगैरह आप परचेज कर सकते हो, बिकॉज ये आपके स्किन पे डायरेक्टली हार्म नहीं करेंगे। उसके बाद आप आई लैशेस जैसी चीज़ों को परचेज कर सकते हो, बिकॉज वो भी आपके स्किन को हार्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये पूरा पैक मिल रहा था जस्ट फॉर ₹100, रेड चेरी का, बहुत ही अच्छी आई लैशेस थी। अगर हम नेल पेंट की बात करें तो नेल पेंट तो लाइक वहाँ पे पाइल्स लगी होती हैं, एंड दे सेल द नेल पेंट लाइक 6 pieces for ₹60, 6 pieces for ₹120। इस तरीके से आपको बल्क में नेल पेंट देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम ब्लाउजेज़ की बात करें तो रेडीमेड ब्लाउजेज़ की कलेक्शन वहाँ पे बहुत थी जस्ट फॉर ₹250। साइजेस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे और अलग अलग डिज़ाइन एंड ऑल, तो मेरे को ब्लाउज़ के मामले में वहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिला। जो आप ये रेड कलर का ब्लाउज देख सकते हो जस्ट ₹250 था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यार। चूड़ा वगैरह, अगर आप ब्राइट टू भी हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी और ख़रीदने के लिए मिल जाएगी। एक्सेसरीज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लाइक क्लेचर के पूरे पैकेट जस्ट फॉर ₹30। मंगलसूत्र वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके की क्लिप्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये आपको एक पैकेट था जस्ट फॉर ₹30, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन थे, आप देख सकते हो, जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं अगर हम ऑनलाइन इस तरीके की चीज़ों को परचेज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप किसी पार्टी वियर टाइप क्लचेस ढूंढ रहे हो, बैग्स ढूंढ रहे हो, तो ये आपको रूही मंडी का कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके के बैग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹650 एंड इट्स गोज़ अप टू लाइक 1000 लास्ट, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इफ़ यू आर ब्राइट टू बी या आपको मेकअप रखने का शौक है तो इस तरीके की वैनिटी बॉक्स आपको मिल जाएगी जस्ट फॉर ₹800। रिंग्स वगैरह तो वहाँ पे ऐसे ₹20 की बिकती हैं। इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह हर एक चीज़ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी।
अब इसके बाद ऐसे ही घूमते फिरते मेरे को ये स्लीपर्स देखने के लिए मिली थी। ये वो सेल कर रहे थे जस्ट फॉर रुपीज़ 50, यस 50 रुपीज़ में। ये आपको बिल्कुल ना कोल्हापुरी टाइप का जो डिज़ाइन होता है, लुक होता है, ऐसा लुक देगी बट इट इन अ रबर, तो वो टूटेगी भी नहीं और कोल्हापुरी वाला लुक दे रही थी। तो ये हमने मेरी मम्मी के लिए परचेज़ किया था। उसके बाद ये वैनिटी था, ये भी भैया 800 में बोल रहे थे बट मेरे को पहला वाला वैनिटी ज़्यादा अच्छा लगा और इन भैया ने पता वीडियो भी नहीं बनाने दी। लहंगा आपको वहाँ पे लाइक पूरी रोड पे आपको 6 to 7 शॉप्स ऐसे मिल जाएंगी लहंगे की, जिनमें की बहुत वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा। और हम वहीं पे ट्राई कर रहे थे मम्मी के लिए लहंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंडर्ड साइज था वो मम्मी को फिट ही नहीं हो रहा था। तो फिर हम शॉप पे गए, उसके बाद हमने उनके लिए लहंगा वगैरह परचेज़ किया था। पटरी मार्केट से हम लहंगा परचेज़ नहीं कर पाए उनके लिए। बट जो ओवरऑल मैं कलेक्शन की बात करूँ तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। जैसे कि रेड कलर का लहंगा था जस्ट फॉर रुपीज़ 2500, बट हमें इट्स लाइक प्योर रेड या बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था। तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 2500 मिल जाएंगे अगर आप एक हैवी लहंगा ढूंढ रहे हो, और अगर आप एक नॉर्मल लहंगा ढूंढ रहे हो तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 800 भी लहंगा मिल जाएंगे। आप जैसे कि ये वाला लहंगा देख सकते हो, थोड़ा रेड और मेहरून टाइप का था जस्ट फॉर रुपीज़ 4000। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ऐसी नॉर्मली रिंग्स देखने के लिए मिली, इतनी प्रिटी रिंग्स थी ना, और ये भैया सेल कर रहे थे जस्ट फॉर रुपीज़ 30 एक रिंग फॉर रुपीज़ 30। मैंने यहाँ से दो रिंग्स परचेज़ की थी बट मैं ला नहीं पाई बिकॉज मेरे पास चेंज नहीं थे। मतलब मैंने ले लिए, मैंने रख ली और उसके बाद मैंने उन्हें पैसे दिए तो उन्होंने बोला चेंज दो, एंड आई सेड नहीं मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरा माल वापस कर दो। तो चाह के भी मैं नहीं परचेज़ कर पाई और मैंने बैग से निकाल के उन्हें वापस कर दी, जो कि मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा बट ठीक है क्या कर सकते थे। तो उसके बाद इसलिए सीख ले लो, चेंज लेके जाना मत भूलना। तो रिंग का कलेक्शन आप लोगों को देख सकते हो, बहुत प्रिटी अच्छी रिंग्स थी जस्ट फॉर रुपीज़ 30। और अगेन आप ब्लाउज़ का कलेक्शन देख सकते हो, बहुत ही प्रिटी प्रिटी ब्लाउज़ थे। और अगर आप लाइक आपका एक स्टैंडर्ड साइज़ आता है ना ब्लाउज़ में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको ये ज्वेलरी हो गई, बहुत ही नॉर्मली अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि ये कढ़े, इट्स लाइक अ हैंडमेड टाइप ऑफ कढ़े थे फॉर रुपीज़ 100 का बॉक्स था, आप कोई भी पिक कर सकते हो। मेरे को ये पिंक वाला जो था ना वो बहुत प्रिटी लग रहा था बिकॉज थोड़ा ना हैंडमेड टाइप का लुक दे रहा था। उसके बाद वहाँ पे डेकोरेशन का सामान था काफ़ी ज़्यादा, और हम लास्ट तक पहुँचते ना एक ऐसी गली में चले गए थे जहाँ पे आपको टोटली होममेड वाली चीज़ें मिलेंगी, मतलब घर के लिए चीज़ें मिलेगी। तो वहाँ पे आपको लंच बॉक्स, बॉटल्स, अगर आप किचन में चीज़ें जो यूज़ करते हो, हर एक चीज़ वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर मैं मेरी सिटी के हिसाब से प्राइस कंपेयर करूँ ना यार, तो इट्स लाइक हाफ होता है बहुत ही इजीली। जैसे कि बॉटल मैंने ली थी जस्ट फॉर रुपीज़ 50, आपको वहाँ पे लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 50। हमने फिर ये आइसक्रीम मोल्ड परचेज़ किया फॉर रुपीज़ 100। तो इस तरीके का जो घर का सामान होता है ना, मेरा तो दिल सा लग गया था बाय गॉड वहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें परचेज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो यार काफ़ी खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस था, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बिकॉज यार मैं आप लोगों को ना एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप उस मार्केट में जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप अपने बिलोंगिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बिकॉज यार वहाँ पे मेरा खुद का बैग जिसमें मेरा पर्स था, मेरे कार्ड्स थे, मेरे पैसे थे, वो चोरी होते होते बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।